तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आप लोग के लिए मैं क्रॉस कोर्स लॉन्च किया था 1 जनवरी को, तो आज क्रॉस कोर्स का दूसरा दिन है। पहले वाले क्रॉस कोर्स में बही खाता और लेखा शास्त्र, पहले क्रॉस कोर्स में बही खाता तथा लेखा शास्त्र का मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का वीडियो मैं बनाऊंगा, और जो आप देख ही रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ले सकते हैं और पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जितने भी है मोस्टली मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई 10 क्वेश्चन पूछेगा, और याद करने में भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे ही मोबाइल चलाते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, ताकि जो भी 2-4 क्वेश्चन याद होगा तो आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट नंबर होगा। तो ठीक है, इसी तरह देखते रहिए और अपने फ्रेंडों को हमारा वीडियो थोड़ा शेयर करते रहिए। और वीडियो जितने लोग देख रहे हैं तो आप लोग से विशेष रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक कर दे, ताकि हमें लगे कि हाँ भाई, वीडियो आप देख रहे हैं और मुझे बनाना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज इंटरमीडिएट 12th कॉमर्स क्रॉस कोर्स बही खाता लेखा शास्त्र का बहुविकल्पिक प्रश्न है, 1 मार्क्स का, और क्वेश्चन स्टार्ट होता है 51 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है इसमें, कि विक्रय बराबर होता है, माने सेल स्कल टू होता है, एक फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में भी बताए थे, बिके माल की लागत में जब सकल लाभ जोड़ दिया जाता है तो वह सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, सेल के बराबर होता है, अर्थात सेल स्कल टू बिके माल की लागत प्लस सकल लाभ अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध हानि होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैं केवल राइट आंसर लिख रहा हूँ, रॉन्ग नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक सही होगा, सही वाला ही लिखना है, क्योंकि इधर उधर के गलत क्वेश्चन मैंने ऑप्शन देने से क्या फ़ायदा, समय भी वेस्ट होगा, उससे बढ़िया राइट वाला करेक्ट याद करिए, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। शुद्ध हानि होती है, फर्म की संपत्ति होती है। ठीक है, यदि उचंत खाता के शेष क्रेडिट हो तो उसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सस्पेंस अकाउंट का यदि शेष क्रेडिट है तो कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, और डेबिट शेष है तो कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तलपट का योग बराबर नहीं होता है तो क्या किया जाता है? उचंत खाता खोला जाता है। कंपनी का निर्माण किया जाता है, कैसे किया जाता है? एक सामान्य कानून के द्वारा किया जाता है। अंशों का निर्गमन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अंशों का निर्गमन 3 ही मूल्य पर किया जाता है, सम मूल्य, अधिमूल्य और अवमूल्य, अर्थात सम मूल्य बराबर मूल्य, अधिमूल्य माने प्रीमियम और अवमूल्य माने कटौती। एक नई कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है, एक नई कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है, किस पर निर्गमन नहीं कर सकती है? बट्टे पर। लाभांश दिया जाता है, किस पूंजी पर दिया जाता है? लाभांश हमेशा चुकता पूंजी पर दिया जाता है। अंशधारी होते हैं, अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी के यही असली मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। ठीक है, शोधन कोष का प्रयोग किया जाता है, शोधन कोष का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जाता है। अगला है बकाया याचना पर ब्याज, जो हमारा कालसिन एरियर होता है उस पर ब्याज कितना दिया जाता है? 5%। और अग्रिम याचना पर ब्याज कितना दिया जाता है, अर्थात कालसीन एडवांस पर कितना दिया जाता है? 6%। याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता। अंशों के छूट पर निर्गमन की अनुमति लेनी हो, जब कोई कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पर, अर्थात डिस्काउंट पर इशू करती है, कटौती पर इशू करती है, तो उसे कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। अंश आवंटन या अंश आवेदन खाता होता है, किस प्रकार के खाते होते हैं? व्यक्तिगत खाते होते हैं। अगला है अंश निर्गमन पर प्रीमियम दिखाया जाता है, जब शेयर को इशू किया जाता है प्रीमियम पर, तो उस प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज पक्ष में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। अगला है किस्तों में त्रुटि पर, जब कोई किस्त त्रुटि होती है, अर्थात अंशों का जब निर्गमन किया जाता है और अंशधारी किस्त चुकाने में त्रुटि करता है, तो ऐसी दशा में क्या किया जाता है? अंशों का हरण कर लिया जाता है, अंशधारी को दिया जाता है, अंश शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है, अर्थात लाभांश दिया जाता है। ऋण पत्रधारी होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ऋण पत्र होता है, ऋण पत्र क्या होता है? एक ऋण की पूंजी होती है। आगे बढ़िए,
ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। जिस त्रांशों का निर्गमन सममूल अधिमूल अवमूल पर किया जाता है, उसी तरह ऋण पत्रों का भी निर्गमन सममूल अधिमूल और अवमूल पर किया जाता है। ऋण पत्र धारियों को दिया जाता है, शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है, ब्याज। ये ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जाता। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अंशों का केवल हरण किया जाता है, ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जाता। ऋण पत्रों पर ब्याज क्या है? ऋण पत्रों पर ब्याज लाभों पर एक प्रभार है, लाभ के ऊपर एक भार है। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। कैसे किया जाता है? सममूल्य पर भी कर सकते हैं, अधिमूल्य पर भी कर सकते हैं और अंश का परिवर्तन करके भी किया जा सकता है। सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र कौन सा होता है? सुरक्षित ऋण पत्र अर्थात लोन ऑन मॉर्टेज, ठीक ना। अगला है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट, ये क्या है? एक तरह से पूंजीगत हानि। ऋण पत्र प्रीमियम शोधन खाता क्या है? ऋण पत्र प्रीमियम शोधन खाता एक वास्तविक खाता होता है। क्यों? क्योंकि इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। संभाव्य दायित्व को, जो कॉन्टिजेंसी लाइबिलिटीज होता है, उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, बल्कि एक नोट के रूप में शो किया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपको बताए थे एक दिन कि पिछले वीडियो में कि कॉन्टिजेंसी जो लाइबिलिटी होता है वो ठीक उसी तरह होता है जो सीक्रेट रिजर्व होता है, गुप्त संचय होता है, जिसको नोट के रूप में दर्शाया जाता है, वैसे ही कॉन्टिजेंसी लाइबिलिटीज को भी दिखाया जाता है। लाभान्वयन खाता बनाया जाता है, केवल कंपनियों में बनाया जाता है लाभान्वयन खाता। विभाज्य लाभ क्या होता है? कर के पश्चात के शुद्ध लाभ को ही विभाज्य लाभ कहा जाता है। अंतरिम लाभांश दिखाया जाता है, इंटरम डिविडेंड कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। अगला है, कंपनी के वार्षिक खाते में बनाया जाता है। जब कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाती है, माने फाइनल अकाउंट बनाती है, तो फाइनल अकाउंट में कितने खाते होते हैं? तो दो ही खाते होते हैं, लाभ अन खाता और आर्थिक चिट्ठा। आयगत व्यय होते हैं, किस तरह के होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं अर्थात अल्पकालीन होते हैं। पूंजीगत व्यय होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं अर्थात दीर्घकालीन होते हैं। और मशीन की स्थापना पर जो व्यय किया जाता है, ये किस तरह का व्यय है? एक पूंजीगत व्यय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका 85। मैं चाहूँगा कि जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, ताकि आज का 15 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो नोट आपको दो कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं ताकि आप नोट कर सकें। तब तक मैं वो 15 क्वेश्चन फिर से आपको लिखता हूँ। हाँ, तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे और यहाँ तक ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को 85 क्वेश्चन तक बताए थे और 86 से लेकर 100 तक अर्थात शेष आपका 15 क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 86 अर्थात 86वां क्वेश्चन है कि प्रावधान होता है। प्रावधान क्या होता है? लाभ के प्रति एक भार होता है। 87 है, प्रावधान का सृजन करना क्या है? अनिवार्य है कि अनिवार्य नहीं है, तो अनिवार्य होता है। अशुद्ध ऋण आयोजन होता है। अशुद्ध ऋण आयोजन एक क्या है? एक सामान्य संचय। अज्ञात दायित्व के लिए क्या किया जाता है? अज्ञात दायित्व कहाँ किया जाता है? अज्ञात दायित्वों की पूर्ति के लिए आयोजन या प्रावधान कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, आयोजन और प्रावधान दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी दोनों का प्रोविजन होता है। तो प्रावधान का मतलब होता है कि जब किसी अज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता है, तो उसे प्रावधान या आयोजन कहा जाता है। अज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए जो मालूम है कि हमें यह काम करना है, उसके लिए ये धन इकट्ठा किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संचय कहा जाता है। अगला है कि ह्रास का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ह्रास का आयोजन अस्थाई संपत्ति पर किया जाता है। अगला है, मूल लागत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? मूल लागत पद्धति को सरल रेखा पद्धति, सीधी रेखा पद्धति भी कहा जाता है। क्रमागत ह्रास पद्धति को क्या कहा जाता है? घटती हुई शेष पद्धति कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें बीच में रह गया कि मूल लागत पद्धति से ह्रास, जो अस्थाई किस्त पद्धति से ह्रास प्रतिवर्ष निकाला जाता है, वो समान होता है, मतलब फिक्स रहता है कि ह्रास कितना होना चाहिए। अगला है, ये क्रमागत ह्रास पद्धति को घटती हुई शेष पद्धति भी कहा जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 96वां क्वेश्चन है कि ह्रास की सबसे प्रमाणित विधि कौन है? तो क्रमागत ह्रास पद्धति। भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। प्रश्न में पूछता है कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जिस पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। चार पांच ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि भूमि दिया रहेगा, फर्नीचर दिया रहेगा, मशीन दिया रहेगा,
कोई गाड़ी या वाहन दिया रहेगा तो उसमें से भूमि ही ऐसी संपत्ति है जिस पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसका मूल्य कभी भी कम नहीं होता। अगला है, ह्रास लगाने के क्या कारण है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण मैं लिख रहा हूँ, समय व्यतीत होने के कारण, संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण, टूट फूट के कारण, नया आविष्कार होने के कारण। 99 नंबर है, क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास हरासी शेष पर लगाया जाता है, मैंने उसके बैलेंस या शेष पर लगाया जाता है। और लास्ट है, पट्टा पर ह्रास किस विधि से लगाया जाता है, पट्टा पर ह्रास वार्षिकी विधि से लगाया जाता है। तो इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, कि ताकि अपने जितने भी आपके फ्रेंड हो, दोस्त हों जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन, ये वीडियो उपयोगी हो सके। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, आपको 50 क्वेश्चन और बताएंगे जो थर्ड इसका बहुविकल्पी वाला होगा। अर्थात हमारा फर्स्ट वीडियो में 50 बहुविकल्पी, सेकंड वीडियो में 51 से लेकर 100 तक बहुविकल्पी, और लास्ट थर्ड वीडियो में हमारा 50 और बहुविकल्पी होगा। 50 से कम भी हो सकता है, क्योंकि अब लगभग क्वेश्चन खत्म हुए हैं, थोड़े बहुत और बचे हुए हैं। तो अंतिम आपका वीडियो में जो भी कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो डाल दिया जाएगा। उसके बाद से आपको 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन चलेंगे। वो काफ़ी बड़े होंगे, उसको पूरा समझा कर आपको बोर्ड पर बताया जाएगा। इसलिए आप तैयार हो जाइए, आपका अभी एग्ज़ाम अप्रैल में है और जनवरी स्टार्ट हो चुका है, समय बहुत कम है, इसलिए इस 3 महीने के समय में पूरा क्रॉस कोर्स एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि यूपी बोर्ड में आप अच्छे से नंबरों से पास होएं और आगे अपना पढ़ाई लिखाई करें। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो देखने के साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और जो चैनल पर हमारे नए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अंत में घंटी जरूर दबा लें, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन उसका मिल जाए। ठीक है, साथ इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए